पूरे देश को बधाइयां देते हैं कि आज दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है और ये उन लोगों के एक करारा जवाब है जो देश में तानाशाही फैलाना चाहते हैं। ये उनको करारा जवाब है कि देश में लोकतंत्र का शासन कायम रहेगा और उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए और 10 साल में जो एनडीए सरकार ने अन्याय फैला रखा है उसके खिलाफ इंडिया अलायंस न्याय के संघर्ष को आगे बढ़ाएगा और हम इस देश को 140 करोड़ लोगों को न्याय दिलवा करके रहेंगे। एक गरीब का बेटा 28 करोड़ के सांसद से कैसे चुनौती देगा सर? देखिए, लड़ने के लिए हथियार की नहीं हिम्मत की जरूरत होती है और हमारे पास हिम्मत है। लोग आपके साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो 24 लाख लोग रहते हैं उनका हिम्मत, उनका आशीर्वाद और उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। इंडिया अलायंस लगातार जो देखे जा रहे हैं, जो कार्यकर्ता भी काफी हैं, उस पे भाजपा कहती है कि इंडिया अलायंस पार्टी में हार रही है। देखिए, वो तो कहते ही हैं हमारे बारे में, उनको जितना निगेटिव कहना है वो कहें, जितनी गालियां उनको निकालना है निकालें, लेकिन आप लोगों का उत्साह देख रहे हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं देश में भी और दिल्ली में भी। यह परिवर्तन होगा, इस बार एनडीए हारेगी और इंडिया जीतेगा।